उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर के इस स्टूडियो में पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जैसे कि हमारे छात्र जानते हैं, हमारे श्रोता और दर्शक जानते हैं कि हम विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न विषयों पे यहाँ पे अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा कुछ न कुछ यह चर्चा के साथ साथ एक लेक्चर करवाया करते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश रयाल साहब। आप जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी के पद पर इस समय कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व आप वरिष्ठ अकादमी एसोसिएट के पद पर भी कार्य कर चुके हैं वहीं ओपन यूनिवर्सिटी में। साथ ही आपका जो है एक बड़ा अनुभव रहा है अध्यापन के क्षेत्र में भी। आप गढ़वाल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने जो है 7 साल से ऊपर अध्यापन कार्य करवाया किया वहाँ पे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ आपका रिसर्च का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। आप जियोलॉजी में आप स्नातकोत्तर की डिग्री के उपरांत आप जर्नलिज्म की ओर मुड़े। वहाँ आपने जो है स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल और उसके बाद डीफिल की डिग्री आपने प्राप्त की। उसके साथ साथ आपके 18 से ऊपर एक शोध पत्र आपके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हैं। आपके द्वारा 4 पुस्तकों का भी लेखन और प्रकाशन किया जा चुका है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख लगातार छपते आते हैं, हम पढ़ते रहते हैं आपके लेखों को। साथ साथ आप बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा भी करते हैं, परिचर्चा करते हैं और साथ साथ जो है लेखन का कार्य करते हैं। तो ऐसे विद्वान साथी को हम आज आपके सम्मुख लाए हैं। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रयाल साहब आपका स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे जो छात्र हैं, जो दर्शक हैं, दूर दराज के क्षेत्र में जो हमारे बैठे हुए बच्चे हैं, वो जाने कि पत्रकारिता आखिर है क्या चीज, जिसे मास कम्युनिकेशन के नाम से भी हम कहते हैं, मीडिया भी कहते हैं कि मीडिया में ये बात उछली, मीडिया ने ये लिखा, ये आखिर ये मीडिया क्या चीज है, ये क्या क्या किस प्रकार के इसके स्रोत हैं, किस टाइप की ये मीडिया में क्या क्या चीजें आती हैं, पत्रकारिता में क्या क्या चीजें होती हैं। और हमारे बच्चे जो आज के जो है हमारा स्टूडेंट दूर दराज के क्षेत्र में भी यदि बैठा है, यदि वो भी पत्रकारिता के फील्ड में आना चाहता है, उसमें करियर बनाना चाहता है, बहुत अच्छा पत्रकार बनना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए क्या क्या एवेन्यू है, क्या क्या जो है एक नए क्या क्या आप उनके लिए मार्ग प्रशस्त करवाने के लिए बताएंगे। मैं चाहूंगा कि आप पहले तो पत्रकारिता का पूरा इतिहास भी हमारे बच्चों को समझाएं कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, और साथ में ये भी बताने का आप कष्ट करें कि हमारे बच्चे यदि इस फील्ड में आना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं कि ताकि जो है वो पत्रकारिता के फील्ड में आगे बढ़े और अपना करियर पत्रकारिता के फील्ड में को चुने। तो रयाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल साहब। प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज हम मीडिया के कुछ पहलुओं पर और मीडिया का जो कंसेप्ट है, जो इसका अर्थ है, इसकी जो परिभाषा है, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसके जो पहलुओं हैं, इसके जो आयाम हैं, इन तमाम क्षेत्रों पर, इन तमाम विषयों पर हम आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। क्योंकि मीडिया आप देखते हैं कि हर जगह हमें सुनने को मिलता है कि मीडिया ने इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, मीडिया ने ऐसे कर दिया, मीडिया ऐसी होगी, पत्रकारिता ऐसा विषय था और आज पत्रकारिता ऐसी होगी। तो तमाम इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं और इसकी चर्चा हर जगह होती रहती है। तो ऐसे विषय जिस विषय की चर्चा हर जगह हो और ऐसा विषय जिसका महत्व तो बढ़ जाता है, उस विषय की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। पहले हम जिसे पत्रकारिता कहते थे उसको हम प्रेस भी कहते हैं। आपने बहुत सारी गाड़ियों के पीछे आगे देखा होगा लिखा रहता है प्रेस। तो उस प्रेस का तात्पर्य उस प्रेस से नहीं है जहां किताबें कॉपी छपती हैं। उस प्रेस का मतलब होता है कि जो मीडिया कर्मी है या जो मीडिया के माध्यम से जो सूचना लोगों तक भेजता है,
वो भेजने वाला वो अपनी गाड़ी के पीछे प्रेस ले देता है। तो इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं इसके कार्य प्रणाली के आधार पर। तो पहले ऐसे कहते थे कि पत्रकारिता, पत्रकारिता का मतलब यह होता है कि पत्र के माध्यम से सूचना प्रदान करना, पत्रकारिता पत्र के माध्यम से सूचना प्रदान करना। और इसका कार्य भी पत्रकारिता क्या है, सूचना प्रदान करना, लोगों तक सूचना प्रदान करना, लोगों तक सूचना पहुंचाना, एक संवाद स्थापित करना, यह इसका कार्य है। उसके कार्य के आधार पर और उसका जो कार्य करने का जो जिसके जो माध्यम है उसके आधार पर उसका नाम दिया गया पत्रकार था। पत्र के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, पत्र के माध्यम से सूचना प्रेषित करना, सूचना प्रदान करना, जानकारी देना, पत्र के माध्यम से मनोरंजन करना, सूचना देना, जानकारी देना, यह पत्रकारिता हुआ जो पहला इसका नाम दिया गया था। फिर प्रेस का मतलब, प्रेस क्यों आया फिर बीच में, प्रेस फिर जो है जो हाथों से लिखे पत्र जो है सूचना प्रदान करने के लिए उपयोग में किया जाता था, वो फिर क्या हुआ कि प्रेस का मतलब मुद्रण, प्रेस का मतलब होता है मुद्रण, जो तकनीकी मुद्रण, तकनीकी मुद्रण जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वहां उसके माध्यम से पत्र जो है प्रिंट किए जाने लगे और सूचना जो है उनके माध्यम से प्रेषित की जाने लगी। मतलब बड़ा प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से और उसको एक विशेष आकार देकर, एक समाचार पत्र का रूप देकर, एक समाचार पत्रिका का रूप देकर, वो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से उसको मुद्रित करके वो उसका उसको प्रचार प्रसार उसको प्रसारित करके उन लोगों तक उसके माध्यम से सूचना प्रदान की जाने लगी। तो उसे क्या, प्रेस का नाम उसको दे दिया गया। अब मीडिया, अब आया मीडिया जो आज हम सुनते हैं। और मीडिया का मतलब मीडिएटर, मीडिया इज डेरिव्ड फ्रॉम द मीडिएटर, मतलब माध्यम, जो एक माध्यम बनता है दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो समूहों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, वो माध्यम। तो लोगों को जोड़ने का माध्यम मीडिया क्या है, लोगों को जोड़ने का माध्यम है। मीडिया क्या है, लोगों को जोड़ने का एक सरल और सुलभ माध्यम है। फिर इसको मीडिया का नाम दिया गया कि जब संवाद स्थापित होगा, सूचना प्रदान की जाएगी, मैं अपनी बात रखूंगा, दूसरे तक मेरी बात जाएगी, वो मेरे बात को समझेगा, रिएक्शन करेगा, तो तब क्या होगा, संवाद स्थापित होगा, और संवाद स्थापित होगा तो हम क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, इसलिए इसको मीडिया कहा गया। अब इसके अलावा एक जो कॉमन शब्द है, जो एकेडमिक वर्ड है इसका, जो इसका एकेडमिक वर्ड है वो है, इसको एक एकेडमिक वर्ड जो है वो एक नाम होल्ड किया गया, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का तात्पर्य हिंदी में इसको कहेंगे हम जनसंचार। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, जनसंचार। जन का मतलब लोग, जन का मतलब लोग, जिसे हम मास कहते हैं अंग्रेजी में। मास मीन्स मैक्सिमम पीपुल्स इन लार्ज स्केल, इन डायनेमिक, इन बल्क, इन वाइड लेवल, मास। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, कम्युनिकेशन का मतलब संचार, संचार मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो चलायमान है, जो चलने पर जीवित है, एक जगह नहीं, मैं यहां पर बैठा हूं, आप वहां पर बैठे हैं, जब तक तो कोई बात यहां से चलकर आप तक नहीं पहुंचेगी और आपसे फिर उसकी प्रतिक्रिया मेरे तक नहीं पहुंचेगी तो संचार कहां से होगा, संचार नहीं हो पाएगा। तो जन संचार मतलब मास कम्युनिकेशन, इसको अंग्रेजी में कहती है, ये भी इसका वर्ड है। तो ये सारे जो नाम है, प्रेस, पत्रकारिता, मीडिया, जनसंचार, ये तमाम क्या है, अलग अलग इसके नाम। और जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता गया, इसका जो माध्यम है, जो संचार के जो माध्यम है, उनके आधार पर, उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर, कार्य प्रवृत्ति के आधार पर इनके नाम भी परिवर्तित होते गए। अब इसको पहले क्या था, प्रिंट मीडिया था, पहले मैं प्रिंट मीडिया था, क्योंकि प्रिंट मीडिया का मतलब जो प्रिंट के रूप में सूचना हम प्रदान कर रहे हैं, सूचना हम प्रेषित कर रहे हैं लोगों को, जो हम समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो है प्रकाशित कर रहे हैं, उनको प्रिंट
छापा खानों में जो है छाप रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक सूचना पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रिंट मीडिया में आ गया। इसमें आपका समाचार पत्र हो गए और फिर आपके पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र और पत्रिकाएं हो गई। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं, पत्रिकाएं पाक्षिक भी हो सकती हैं और मासिक भी हो सकते हैं, छमाही भी हो सकती है, वार्षिक भी हो सकते हैं। वार्षिक, छमाही, मासिक, पाक्षिक का मतलब, 15 दिन के अंतराल में जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसे पाक्षिक कहते हैं। एक माह के अंतराल में जो पत्रिका प्रकाशित होती हो उसे क्या कहेंगे, पाक्षिक कहेंगे, 15 दिन के अंतराल में। और 6 महीने के अंतराल में जो पत्रिका प्रकाशित होती हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे छमाही। और जो वार्षिक, एक वर्ष के अंतराल में, एक साल के अंतराल में जो पत्रिका प्रकाशित होती हो उसे वार्षिक पत्रिका कहते हैं। ये अलग अलग विषय के अलग अलग भी हो सकती हैं और एक सामान्य भी हो सकती है। और समाचार पत्र के भी कही वो है, इनके प्रकाशन के आधार पर, जैसे एक होता है दैनिक समाचार पत्र, एक होता है साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक का मतलब एक सप्ताह के अंतराल में वो प्रकाशित होता है। एक सप्ताह तक जो है उससे जुड़े हुए जो रिपोर्टर होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो संपादक मंडल होता है, वो जगह जगह से समाचारों का संकलन करते हैं और समाचार सूचनाओं का संकलन करके और उसको प्रिंटिंग प्रेस में उसको प्रिंट करा के और फिर अपने अपने पाठकों तक उसको पहुंचाते हैं एक सप्ताह के अंतराल में। इसमें यह फायदा रहता है कि एक सप्ताह में उसको अच्छा समय मिल जाता है, वो किसी भी सूचना को गहराई तक लेकर और गहराई से उसको प्रकाशित करके लोगों तक पहुंचाता है। दैनिक समाचार पत्र जो पर डे प्रकाशित होता है, जो प्रत्येक दिन जो है प्रकाशित होता है, वो दैनिक समाचार पत्र हो गया। और एक होता सांध्य दैनिक। सांध्य दैनिक का मतलब होता है कि जो दिन भर की जो घटनाएं हैं उनको जो है शाम को प्रकाशित करता है और उसके बाद अपने पाठकों तक पहुंचाता है, शाम के समय पर उसको प्रिंट करके अपने पाठकों तक पहुंचाता है। फिर इसमें कई, हम इसका इसको क्लासिफाइड करेंगे तो अलग अलग बहुत इसको हम विस्तृत रूप से इसको जानेंगे, क्योंकि समय यहाँ पर कम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये मुख्य रूप से पत्र पत्रिकाएं प्रिंटिंग में आपका आ गया, पत्रकारिता आ गया। उसके बाद हम बात करें तो मीडिया की, मीडिया में, मीडिया का एक बड़ा रूप आ गया। ये मीडिया का जनसंचार का ही रूपांतरण है मीडिया। जनसंचार का मतलब होता है, मैंने भी कहा कि बल्क में, और संचार का मतलब तो उसको जो बड़े स्तर पर क्या होता है, बड़े स्तर पर संचार करना, बड़े स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, बड़े स्तर पर सूचना प्रेषित करना, एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर वो जनसंचार हो गया। ठीक है, तो इसके जो माध्यम है, इसके माध्यम क्या है, आपका प्रिंट मीडिया इसका माध्यम है, इसका टेलीविजन इसका माध्यम है, रेडियो इसका माध्यम है, और अब क्या है, न्यू मीडिया का माध्यम है। प्रिंट मीडिया मैंने आपको बता दिया, दूसरे नंबर टीवी, टीवी न्यूज चैनल है इसका माध्यम है, बड़े नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पर जो है टीवी चैनल आज के डेट में ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उत्तराखंड में कम से कम 4-5 न्यूज चैनल है जो यहाँ देहरादून से जो है अपना जो है प्रसारण कर रहे हैं, और वो उनसे ये फायदा है कि हमारे जो स्थानीय स्तर की जो सूचनाएं होती हैं, स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, जो समस्याएं होते हैं, जो बातें होती हैं हर क्षेत्र की, वो उनमें जो है वो एक प्रसारण उनको समय देते हैं, और अधिक समय देने के कारण अधिक उनका प्रचार प्रसार होता है। दूसरा, तीसरा जो रेडियो है, अब रेडियो, बहुत से लोगों का कहना है कि रेडियो का अब जो है प्रचलन कम हो गया है। रेडियो का प्रचलन कम नहीं हुआ है, रेडियो की जो 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 नेचर चेंज हो गया है। पहले हम, क्योंकि हमारे पास टीवी चैनल्स नहीं थे तो हम रेडियो सुनते थे, हम केवल श्रोता के रूप में जो है क्या करते थे कि सूचना प्रदान करते थे। आज हम पाठक के रूप में, दृश्य श्रव्य रूप में और श्रव्य रूप में क्या कर रहे हैं, मीडिया का उपभोग कर रहे हैं, मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। और यहां तक तो बात रही, अब जो है नया जो न्यू मीडिया आया इसमें हम सहभागिता भी कर रहे हैं। हम केवल
दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे कि जब हमको टीवी बताएगा तब हम सूचना लेंगे, जब हमको रेडियो हमको सूचना देगा तब हम श्रोता के रूप में सूचना प्राप्त करेंगे, जब हम अखबार आएगा तब हम अखबार पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नई न्यू मीडिया आया है इसने तो इतना इतनी क्रांति इसने लाई है कि मतलब प्रत्येक आदमी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, वो मीडिया कर्मी बन गया है, वो मीडिया के से जुड़ गया है, वो खुद शेयर कर सकता है और खुद दूसरे का शेयर को पढ़ सकता है। और इसका माध्यम सोशल मीडिया, इसका एक बहुत बड़ा न्यू मीडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तमाम तरह के जो है जो ऑर्कुट्स हो गया, तमाम अभी नए नए भी आ रहे हैं। तो ये सोशल सोशल जो साइट्स हैं, सोशल साइट्स क्या है ये न्यू मीडिया के पार्ट्स हैं। वेब मीडिया होगी, वेब पोर्टल हो गए, अब आदमी जो है जो पढ़े लिखे लोग और मीडिया में अपना वो इंटरेस्ट रखना चाहते हैं और नई तकनीकी का उपयोग करना चाहते हैं, नए तकनीकी से अपने अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं और नए तकनीकी को उपयोग करके अपने जो उसके मीडिया के प्रति जो उसका इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखना चाहता है, तो वेब पोर्टल खोलकर जो है अपना जो है एक मीडिया कर्मी के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये अलग अलग क्षेत्र है। तो पत्रकारिता का मैंने आपको जो परिभाषा है, जो कंसेप्ट है, ये सारी चीजें क्लियर कराई, जनसंचार का क्लियर कराया, संचार का आपको क्लियर कराया, और जो न्यू मीडिया है न्यू मीडिया में आपको क्लियर कराया। मतलब एक पत्र से, पत्र द्वारा सूचना प्राप्त करने से लेकर आज हम न्यू मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो 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 आईटी है उसका उपयोग करके खुद जो है पत्रकारिता में एक सहभागिता हम निभा रहे हैं, हम खुद पत्रकार बन गए हैं, यहां तक हमारी स्थिति आज आ गई है। अब फिर मीडिया के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो मीडिया हर क्षेत्र में जो इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि माध्यम है भाई। जनता के आंदोलनों को, जनता की समस्याओं को, जनता की बातों को, जनता के जो जो मांग है उनको सरकार तक कौन पहुंचाता है? आज की डेट में मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जन सरकार द्वारा जनता के लिए किए जा रहे जो कार्य हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो किए जाने वाले जो कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता तक कौन पहुंचा रहा है? मीडिया पहुंचा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मीडिया का मतलब माध्यम, इसका मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया, पत्रकारिता से लेकर प्रेस मीडिया और ये सारी चीज तमाम चीजें हैं। अब हम कहेंगे कि मीडिया का विज्ञान भाई, ये जो केंद्र है ये उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और एवं शोध के अनुसंधान केंद्र है, तो यहाँ पर विज्ञान और मीडिया को जोड़ना बहुत जरूरी है। मीडिया अभी मैं डिस्कस कर रहा था तो डिस्कस करते करते एक चीज मेरे से आई कि विज्ञान के बिना मीडिया की भूमिका अधूरी है। विज्ञान के बिना मीडिया की भूमिका अधूरी है, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए मीडिया जरूरी है। ये दोनों का सामंजस्य समन्वय है आपस में कि यदि हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, यदि हम न्यू मीडिया की बात करते हैं, यदि हम वेब मीडिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। बिना विज्ञान और तकनीकी प्रयोग से हम इन माध्यमों का प्रयोग उपयोग नहीं कर सकते। और यदि वैज्ञानिक रूप से हम कोई कार्य करना चाहते हैं समाज के लिए, जनता के लिए, सरकार स्तर पर या कोई वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा कोई बहुत बड़ी वैज्ञानिक गतिविधियां की जा रही हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि की जा रही हैं और वो जनता के लिए, वो उपलब्धियां सूचना के रूप में जनता तक पहुंचाने के लिए किसकी भूमिका हो सकती है? मीडिया की। भाई इसरो क्या कर रहा है, इसरो क्या है, इसरो कहाँ है, इसरो ने क्या किया, कौन से जो सैटेलाइट उसने छोड़े हैं, क्या वो करने जा रहा है, ये तमाम जानकारी सूचना हमें किसके माध्यम से मिलते हैं? मीडिया के माध्यम से मिलते हैं। तो मीडिया और विज्ञान इन दोनों का आपस में बहुत ही बड़ा सामंजस्य समन्वय है, एक दूसरे के विकसित रूप, एक दूसरे के एक जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन दोनों का आपस में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अब उदाहरण के लिए मैं कहूं यूसर्क है, यूसर्क जो उत्तराखंड सरकार का एक राज्य स्तरीय संस्थान है, इस संस्थान के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इस संस्थान
का उद्देश्य क्या है, इस संस्थान का कार्य क्षेत्र क्या है, ये तमाम चीजें आम जनता तक कैसे पहुंचेंगे? भाई ये तो जगह जगह तो यदि हम सपोज उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि यू सर्ग के कर्मचारी घर घर जाएं पूरे उत्तराखंड की, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है, क्या है कि भाई यू सर्ग ये है, यू सर्ग ये करता है, यू सर्ग के उद्देश्य है, ये कार्य क्षेत्र है, ये सारी चीजें हैं, तो ये असंभव है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जो मतलब पूरी जनता को एक क्षण में, एक सेकंड में हमारी सारी सूचनाएं प्रदान कर सकता, वो है मीडिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे कार्य, जो विज्ञान के जो उपलब्धियां हैं, विज्ञान वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अनुसंधान के क्षेत्र में हो, उन तमाम सूचनाओं को, उपलब्धियों को, जानकारी को हम मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो ये विज्ञान और विज्ञान का उपयोग हम मीडिया में, मीडिया के डेवलपमेंट के लिए, मीडिया के विकास के लिए, मीडिया के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मीडिया को और विकसित करने के लिए हम विज्ञान का उसमें उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम आईटी का और तमाम जो हमारे टेलीविजन है, जो हमारे यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके मीडिया के बहुत सारे आयाम हैं। तो विज्ञान पत्रकारिता इसका एक विषय है, विज्ञान पत्रकारिता एक क्षेत्र है पत्रकारिता का, जो अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। तरह तरह की विज्ञान पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, बड़े बड़े भव जैसे ज्ञान दर्शन है, कृषि जगत है, ये तमाम दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम है जो कि विशेषकर विज्ञान के क्षेत्रों के लिए किए गए हैं। और बहुत सारे जो टीवी जो सेक्टर हैं, जो टीवी चैनलों का जो प्रसारण कर रहे हैं, वो अलग अलग जो है विज्ञान के क्षेत्र में अलग सा अपना न्यूज चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं। तो विज्ञान पत्रकारिता जिसे हम क्या कहेंगे, विज्ञान पत्रकारिता का जो विशुद्ध रूप से हम जो हम इसका अर्थ निकालें, तो विज्ञान ऐसी पत्रकारिता जिसके माध्यम से हम विज्ञान में हो रही गतिविधियों, विज्ञान की उपलब्धियों, विज्ञान के उद्देश्यों, विज्ञान के कार्य क्षेत्रों का प्रसारण करें, प्रचार करें, और विज्ञान की उपलब्धि के लिए, विज्ञान के विकास के लिए, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिस मीडिया का हम उपयोग करें, जिस पत्रकारिता का हम उपयोग करें, उसे विज्ञान पत्रकारिता कहते हैं। तो कुल मिला के कहें तो ये एक आयाम है। तो आज यहां पर मैंने आपको पत्रकारिता, जनसंचार, मीडिया, प्रेस, जो अलग अलग नाम है मीडिया के, इन सारे मैंने आपसे सारे जो नाम है नामों से आपसे आपको परिचय कराया, इसका कंसेप्ट क्लियर कराया, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस चीज को रखें। और ये अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि मीडिया के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। मीडिया डराने के लिए और डरने के लिए नहीं है, मीडिया डरे हुए को बचाने के लिए है। आप इसके प्रति अवेयर हुए, इसकी अपनी इथिक्स है, अपनी नीतियां हैं, लेकिन हर आदमी को मीडिया की जानकारी होनी बहुत जरूरी है आज की डेट में। धन्यवाद। और साथ में मैं उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र का भी धन्यवाद करता हूँ कि वह इस तरह के कार्यक्रमों का यहाँ पर अक्सर जो है आयोजन करते रहते हैं, और जो इसके उद्देश्य हैं इस केंद्र के, इन उद्देश्यों को भली भांति पूर्ण कर रहे हैं और छात्रों को इसका लाभ दे रहे हैं। तो धन्यवाद नौटियाल जी पुनः, और मैं हमेशा मेरे से जितना भी हो सकेगा और अपने संस्थान, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से हम पूरे कोशिश करेंगे कि हम जो है इनके उद्देश्यों को पूर्ण करें। धन्यवाद।